देखिए, शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और यहाँ पर तमाम विधायक भी मौजूद हैं। देवेंद्र बबली जेजेपी के विधायक हैं। बबली जी, आप मौजूद हैं, जेजेपी से नाता टूट चुका है और आप आज यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ नई सरकार का गठन हुआ है। देखिएगा, जो 4.5 साल तक गठबंधन में सरकार चली, दोनों पार्टियां अलग अलग हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार इंडिपेंडेंट के साथ मिलकर बनाई। मैं नई सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, सभी मंत्रियों को बधाई देना चाहता हूं। और जब तक हमें जो जिम्मेवारी दी गई थी, हमने ईमानदारी से प्रदेश हित के लिए कार्य किया है। और नई सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जो बने हैं, नए सैनी साहब को और सभी मंत्रियों को बधाई। नई सरकार में अपना स्थान कहीं देख रहे हैं? देखिएगा, आज हम सरकार में थे, अब सरकार से हम बाहर हैं। तो जेजेपी जो है, वो सीट शेयरिंग को कोई बात लेकर नहीं हो पाई, जो अलग हुई, क्या कहेंगे जो सरकार ने बदल दी? देखिएगा, वो हमारे पार्टी के जो दुष्यंत चौटाला जी, वो सवाल उनसे कीजिए, आप वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे आपको। हम तो हल्के में अपने काम में लगे हुए थे। हमें तो आज ही मैसेज हुआ कि नई सरकार का गठन हो रहा है। तो आप किसके निमंत्रण पर राजभवन आए? मैं विधायक हूँ, निमंत्रण विधायक सभी विधायकों को है, जो 90 विधायक है सबको निमंत्रण है। बबली जी, सब कौन से उसमें जितने आना चाहते थे वो आए हैं। जो कहा जा रहा है कि जो एक अलग बूथ बनने जा रहा है, अब जेजेपी का 7 विधायकों का भी है, क्या कहेंगे? ऐसा भी कुछ नहीं है। आज सभा समारोह हुई है, पूरी हमारी जो नई गठन हुआ है। बबली जी, आप आज सैनी साहब को और सभी मंत्रियों को बधाई दे। और आज दुष्यंत ने भी मीटिंग बुलाई थी, आप वहाँ नहीं गए, क्या कारण? हमारे हल्के के प्रोग्राम थे, हम हल्के में थे। हल्के में? हाँ, और हल्के से फिर यहाँ हमारे जो विधायक साथी, उनका उन पे बात होने के बाद यहाँ आज इस शपथ समारोह में शामिल होने के लिए उनका मन था, तो इसलिए हम सब यहाँ पहुँचे थे। आप जेजेपी के विधायक के तौर पर ही शामिल हो रहे हैं या अंदर कुछ आपका हृदय परिवर्तन? जेजेपी के विधायक है भाई, हृदय परिवर्तन कुछ हो रहा है? हम जेजेपी के, जेजेपी के विधायक हैं और एक विधायक के नाते हमारा यहाँ जेजेपी के साथ ही रहेंगे। अब ये सारी बातें अभी गर्भ में होती हैं, सारे का सवाल आज ही ले होगा, कुछ अगले दिन भी ले होगा, कुछ अगले दिन के लिए छोड़ने का बात। देखिए, सीधे तौर पर देवेंद्र बबली खुल कर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इशारा कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं कि वो जेजेपी के विधायक अभी हैं। आगे आने वाले समय में क्या होता है ये तय नहीं है, लेकिन जेजेपी के विधायक के तौर पर यहाँ पर वो पहुँचे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।